हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी तक इंडियन फैंस के दिल कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं जिस तरह से WTC फाइनल में टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किया। पहले दिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। आई थिंक उस पॉइंट से टीम इंडिया कभी बाउंस बैक कर ही नहीं पाई। बैटर्स का थ्रू आउट टेस्ट मैच खराब परफॉर्मेंस रहा। बॉलर्स वर नॉट अप टू द मार्क इन द फर्स्ट इनिंग्स और टीम इंडिया को एक बड़ी हार मिली बाई 209 रन्स। टीम इंडिया से काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। अभी बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, फैंस हैं जो टीम इंडिया के खराब परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सवाल उठे तो जवाब तो देना ही होगा। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि हमने इतनी मेहनत की, इतने सारे टेस्ट मैचेस जीते, WTC फाइनल में जगह पक्की की, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट मैच मिलना आई थिंक वो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। WTC फाइनल में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी चाहिए ताकि दोनों टीमों को फेयर अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। टेस्ट क्रिकेट में आपको मोमेंटम बिल्ड करना होता है, रिदम बनानी होती है और वो एक टेस्ट मैच में नहीं बनती है। मैं चाहूंगा कि जो अगला WTC फाइनल हो वहां पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो। रोहित शर्मा का ये भी कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो WTC फाइनल है वो हर बार इंग्लैंड में ही हो। आपको याद होगा WTC फाइनल 2021 वो भी इंग्लैंड में खेला गया था, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। वहां पर भी इंडिया को एक बड़ी हार मिली थी बाई 8 विकेट्स और ये वाला WTC फाइनल भी इंग्लैंड में था और यहाँ भी इंडिया को बड़ी हार मिली बाई 209 रन्स। रोहित शर्मा का ये भी कहना है कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था क्योंकि इससे पहले हम IPL खेल रहे थे और जो ट्रांजिशन होता है T20 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट के लिए, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। रवि शास्त्री ने इस बात का भी जवाब दिया। उन्हें कहा कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि आपके लिए IPL इंपॉर्टेंट है या फिर नेशनल ड्यूटी। अब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस का भी एक स्टेटमेंट आया और दोनों कैप्टन्स का स्टेटमेंट एकदम से पोल्स अपार्ट था। पैट कमिंस ने कहा कि मेरे लिए एक मैच होना WTC फाइनल के लिए वो बिल्कुल ठीक है। अभी आप देखो ओलंपिक्स में अगर आपको रेस जीतनी है तो आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है और वो रेस जीतने के बाद ही आपको गोल्ड मेडल मिलता है। तो गाइस दोनों कैप्टन्स के स्टेटमेंट्स एकदम से अलग हैं और रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लेकर भी सवाल खड़े हो चुके हैं जिस तरह से बड़े मैचेस में आकर टीम इंडिया खराब परफॉर्मेंस कर रही है। तो गाइस आपकी क्या राय है इस बात को लेकर और आप किस कैप्टन की बात से अग्री करते हो, रोहित शर्मा या फिर पैट कमिंस? अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप होकर नहीं आए तो होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। वहां भी क्रिकेट के बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।